अध्यापक, हमारे कोचेज और हमारे छोटे भाई जो विश्वविद्यालय परिवार से हमें हमेशा सहयोग देते रहते हैं, राजेश आर्या जी और साथ में श्री बलवंत जी, उसके साथ साथ आज उपस्थित यहाँ पर जितने भी छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स आए हैं और साथ में जूम के माध्यम से भारत के अलग अलग कोनों से जुड़े हुए हमारे समस्त विद्यार्थी, समस्त प्रतिभागियों को मैं 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक बधाई देता हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, एक छोटा सा उपनिषद है, महोपनिषद, आपने नाम सुना होगा महाउपनिषद, और उपनिषदों की श्रेणी में सामवेदी परंपरा का उपनिषद है और कहा जाता है छोटा उपनिषद है, बहुत कम उसमें चैप्टर है, कम उसमें श्लोक है, और उसी उपनिषद की एक वाक्य है जो इस योग डे की थीम है, वसुधैव कुटुंबकम, जो लिया गया है कि वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, कि समस्त विश्वविद्यालय जो विश्व है वो हमारा कुटुंब है, इस संकल्पना को आगे बढ़ाते हुए ऋषि मुनियों ने जो ये वसुधैव कुटुंबकम की संकल्पनाएं दी, अब योग इन्हीं ऋषि मुनियों द्वारा अनुवेशित और उसका विवेचन उन्होंने किया, उनका मंथन उन्होंने किया। सीधा कर लीजिए,
इस तरीके से आप पीछा देखेंगे, ट्विस्ट करेंगे, ठीक है। गर्दन आपका फाइनल पोजीशन में पीछे रहेगा, तो ट्विस्ट करते हुए फिर से इनहेल करते हुए सामने देखेंगे, दोनों हाथों को फैलाएंगे और एक्सहेल करते हुए यहीं से राइट साइड, लेफ्ट हैंड आपका जाएगा, लेफ्ट पाम आपके राइट शोल्डर के ऊपर, प्रॉपर ट्विस्टिंग करते हुए। चलिए थ्री दूसरी तरफ करेंगे, पूरा सांस छोड़ते पीछे की ओर, सांस भरते हुए सेंटर पोजीशन पे आएंगे, फोर दूसरी तरफ एक्सेलेशन के साथ, फाइव सिक्स सेवन एट, लेग स्ट्रेच करते हुए आपको लोअर बैक से झुकना है, पूरी कमर सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकाते हुए अपनी हथेलियों को पंजों के ऊपर, और यदि संभव हो सके तो आप अपने पैरों के बगल में रखेंगे, ठीक है। जितना आपसे हो सकता है उसी पोजीशन पर होल्ड करेंगे जितना आप जा सकते हैं, 10 सेकेंड मैक्सिमम, डीप इनहेल एक्सहेल करते रहिए, एक्सेलेशन के साथ हल्का थोड़ा स्ट्रेच करते रहेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, धीरे धीरे सांस भरते हुए हाथों को कमर को एक साथ उठाएंगे, पूरा स्ट्रेच करते हुए, एंड एक्सहेल रिलैक्स योर हैंड्स, ब्रीथिंग करते हुए आपको अपनी लोअर बॉडी यानी पैरों को आगे की ओर खींचना है, बैलेंस बनाने के लिए घुटने मोड़ने नहीं है, और धीरे धीरे कमर को पीछे की ओर लेकर जाना है, पूरा पीछे की ओर झुकते हुए जितना आप झुक सकते हैं। चलिए सभी करेंगे बैकवर्ड बेंडिंग का अभ्यास, अर्धचक्रासन, जितना आप पीछे की ओर जा सकते हैं सांस भरते हुए, रुकेंगे क्षमता अनुसार, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, इनहेल वापस आएंगे यहीं से हाथों को रिलैक्स करेंगे, आप मैक्सिमम झुक सकते हैं। फाइनल पोजीशन में आपको ऊपर वाली हथेली को मीन्स अपने लेफ्ट हैंड को देखना है, हथेली आपकी सामने की ओर रहेगी फाइनल पोजीशन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, धीरे से वापस आएंगे यहीं से। चलिए पंजे को रिलैक्स करेंगे सामने की ओर, दोनों हाथों को रिलैक्स कर लीजिए, और यहीं से अपनी जगह पर बैठकर थोड़ा सा रिलैक्स आप लोग कर लेंगे, सावधानी पूर्वक बैठे, दोनों पैरों को सामने की ओर फैला लेंगे, थ्री जिन्हें साइटिया की प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा खिंचाव नहीं देंगे, फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, धीरे से आंखें खोलते हुए सामने की ओर देखेंगे, फिर से दोनों पैरों को सामने की ओर फैला लेंगे, सामने फैलाते हुए रिलैक्स करेंगे। अगला डेमो एक बार इस प्रकार से, दोनों घुटनों के बीच में थोड़ा गैप रहेगा, घुटनों के बल खड़े होते हुए पुश करते हुए कमर से पीछे की ओर झुकना है जितना आप झुक सकते हैं, ठीक है। चलिए सभी साथ में करेंगे तो घुटनों के बल खड़े हो जाइए, बैलेंस बनाने के लिए और अधिकतम झुकने के लिए, कमर को लचीला बनाने के लिए हल्का पैरों में गैप कर सकते हैं घुटनों में, जितना कि आप बैलेंस बना सकें। दोनों हाथों को अपने कमर के पीछे फिक्स कर लीजिए, सपोर्ट देते हुए कमर को आगे की ओर पुश कीजिए और धीरे धीरे बैकवर्ड बेंड कीजिए, सांस भरते हुए इनहेल करते हुए, बॉडी आपको टाइट रखनी है, अंतिम स्थिति में रुकेंगे यहीं पर, होल्ड करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, धीरे धीरे वापस आएंगे यहीं से, दोनों हाथों को रिलैक्स करेंगे और हम रिलैक्स करेंगे शशांकासन में, घुटनों के बल बैठ जाएंगे वज्रासन में, ये वज्रासन की स्थिति है जो खाना खाने के बाद भी आप अभ्यास कर सकते हैं, ठीक है। आपके घुटनों को लचीला बनाता है, पैरों का लचीलापन बरकरार रखता है, यहीं से दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकना है, अगर आपको ऐसे झुकने में दिक्कत होती है तो हल्का अपने घुटनों को खोल सकते हैं, जिन्हें सीवियर बैक पेन है, बहुत ज़्यादा बैक स्टिफ है तो थोड़ा दिक्कत में हो सकती है, अपनी क्षमता अनुसार ही अभ्यास करें। धीरे धीरे आपको क्या करना है, एक बार डेमो देख लेंगे कंफ्यूजन होगी तो, आपको अपनी कोहनियों को जमीन से लगाकर रखना है, केवल अपने आप को छुट्टी को चिन को और अपर चेस्ट को उठाना है, और ऐसी बेंडिंग आपको करनी है इस तरीके से, सामने डेमो देख लेंगे, ठीक है। चलिए प्रॉपर हथेली पे प्रेशर दीजिए, चिन को लिफ्ट कीजिए धीरे धीरे इनहेल करते हुए,
चेस्ट उठाएंगे, शोल्डर को बैक पुश करेंगे, कंधों को पीछे की ओर खींचेंगे, केवल आपकी कोहनी पर और हथेली पर दबाव रहेगा, बाकी आप जितना ऊपर उठ सकते हैं यथा संभव ऊपर की ओर देखेंगे। अंतिम स्थिति में खिंचाव बना हुआ रहेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एक्सेल। धीरे धीरे वापस जाएंगे, चेस्ट इज़न जमीन पर लगाते हुए, चिन जमीन पर लगाते हुए। 5, घुटने आपको सीधे रखने, भले ही आपको पैरों में थोड़ा सा गैप करना पड़े। 6, 7, 8, 9, 10 एक्सेल। धीरे से वापस आएंगे, यहीं से हम रिलैक्स करेंगे। मकर आसन में बस सामने डेमो देख लीजिए, दोनों हाथ आपको क्या करना है, आर्म को इस तरीके से होल्ड करना है, क्रॉस में दोनों आर्म्स को इस तरीके से होल्ड करना है। फॉरहेड आप क्या करेंगे, इसके ऊपर रखेंगे, पूरी पूरा चेस्ट और आपका चिन जो है उस पर लगा हुआ रहेगा। सिर को अपने दोनों हाथों पर रख लेंगे, आप चाहें तो अपने पूरी सजगता आपकी श्वास के रिदम पर, ब्रीदिंग पैटर्न पर। राइट से एक्सेल करेंगे, फिर राइट से इनहेल करते हुए लेफ्ट से एक्सेल, आराम आराम से आप इसका अभ्यास करें। जब आप लेफ्ट से एक्सेल करेंगे तो आपका फोर्थ राउंड कंप्लीट हो जाएगा। फिर फिफ्थ राउंड स्टार्ट करने के लिए लेफ्ट से ही इनहेल करना है, बिल्कुल स्थिरता सजगता पूर्वक, केवल जिस प्रकार आपकी श्वास पर श्वास हो रही है उसका रिदम, उसकी लाइन ना टूटे। प्रक्रिया आपकी ऐसे ही रहेगी, बाईं से श्वास भरते हुए दाईं नासिका से श्वास छोड़ना है, दाईं नासिका से श्वास भरते हुए बाईं नासिका से छोड़ना है। अंतिम राउंड पूरा होने के बाद दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर रखें, आप महसूस करेंगे श्वास पर श्वास आपकी पहले से लंबी रहेगी, परेशान। आंखें सभी बंद रखेंगे क्योंकि अगला अभ्यास बिल्कुल कॉमन प्रैक्टिस है आपकी और आप उसे कर सकते हैं, ठीक है। आपको हाथों की स्थिति बताई जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और कई वर्षों से इसको पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है और आपका भी भरपूर सहयोग हमको मिलता है, हर बार हम आपके साथ यहाँ मिलते हैं। इसके लिए जो आप महत्वपूर्ण समय अपना निकालते हैं, मैं अपनी ओर से और पूरे विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आपका धन्यवाद करता हूँ। साथ ही आज यहाँ पर आपकी उपस्थिति के लिए फिर से आपका अभिनंदन और आपका स्वागत है। और हम मैं उन तमाम जो प्रतियोगिता जो प्रतियोगी हैं जिनको आज पुरस्कार मेडल मिले हैं उन सबको अपनी ओर से बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ।